स्टूडेंट्स क्लास 8th, देखिए मॉडल ऑक्सिलिवर अब आपके चल रहे हैं। तो ये हमने दो वीडियो आपके पास भेज दिए हैं इससे पहले, तो थर्ड वीडियो में देखिए मस्ट का हम यूज बता रहे हैं। तो देखिए लेट अस रीड। तो देखिए फर्स्ट ए पॉइंट, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपलसेशन, नेसेसिटी, इम्फेटिक एडवाइस। तो मस्ट किसके लिए यूज होता है? कंपलसेशन के लिए, कंपलसरी के लिए, नेसेसिटी अनिवार्यता के लिए, ठीक है। इम्फेटिक एडवाइस कहते हैं दृढ़ता से हुई सलाह के लिए। तो देखिए फर्स्ट देखिए, द लेटर मस्ट लीव बाई टू डेज मेल, ठीक है। तो ये लेटर जो है आज के ही मेल से जाना चाहिए, ये नेसेसिटी हो गई, अनिवार्यता हो गई यहाँ पर। सेकंड, यू मस्ट सी ए डॉक्टर इमिजिएटली, तुम्हें तुरंत ही एक डॉक्टर देख लेना चाहिए। तो इम्फेटिक एडवाइस हो गई या दृढ़ता पूर्वक एडवाइस हो गई। तो मस्ट का मतलब यह है कि अर्थात इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए मस्ट का यूज हम आपको बता दें, मस्ट के यूज और भी हो सकते हैं। मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटरमिनेशन के लिए, पक्का इरादा के लिए भी होता है, जैसे वी मस्ट गो, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, ठीक है। अब देखिए मस्ट का यूज ड्यूटी के लिए भी होता है। ए जज, एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ए जज मस्ट बी अपराइट, ठीक है। अब देखिए मस्ट का यूज निश्चयता के लिए होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था वी मस्ट विन दिस मैच, ठीक है। और मस्ट का यूज प्रबल संभावना के लिए, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, इसके लिए भी होता है। तो ही मस्ट बी ए रॉबर, ठीक है। तो इसका जो मस्ट का यूज होता है, तो लिखित आदेशों के लिए भी मस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अधिक तीव्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड के बदले हम मस्ट का यूज करते हैं, जैसे एम्प्लॉय मस्ट बी एट देयर डेस्क बाई 10 AM। मतलब सभी एम्प्लॉय को अपनी जो पटल पर 10 बजे तक आ जाना अनिवार्य है। तो ये इसमें मस्ट का यूज हो जाएगा। अब देखिए नीड नॉट इज यूज टू शो एब्सेंस ऑफ कंपलसेशन। नीड कहते हैं आवश्यकता, नीड कहते हैं आवश्यकता। तो नीड का प्रयोग किया आवश्यकता का पढ़ना, रिक्वायर और हैव टू नेसेसरी के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट कम टू माई ऑफिस, तुम्हें मेरी ऑफिस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड नॉट का यूज है। दे नीड नॉट अटेंड माई लेक्चर, उसे मेरी लेक्चर अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं आपको नीड नॉट का यूज बताऊं, इसमें है ही नीड नॉट माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकंड में आपको एग्जाम्पल बताऊं, ही नीड्स टू गो देयर, ये नीड नॉट न करके नीड के यूज के बारे में बताया गया। नीड मीन्स आवश्यकता होना, नीड नॉट मीन्स आवश्यकता न होना। तो ये अगर नीड आएगी तो नीड्स का यूज हो जाएगा। अब देखिए ऑट टू, ऑट टू कहते हैं किसी नैतिक कर्तव्य के लिए, ऑट टू कहते हैं किसी नैतिक कर्तव्य के लिए। तो ऑट टू का ही प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, डिसरेबिलिटी ऑफ ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और देखो ऑट टू का यूज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, प्रबल संभावना के लिए भी किया जाता है। ऑट टू का यूज सलाह के लिए भी किया जाता है। ऑट टू का यूज तार के आवश्यकता के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो सभी परिस्थितियों में ऑट टू के बदले शुड का यूज किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम ऑट टू का बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो ऑट टू का यूज, इट इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी कर्तव्य के लिए, मॉरल नैतिक कर्तव्य के लिए, सोशल ऑब्लिगेशन और सामाजिक कर्तव्य के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू ऑट टू ओवे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी ऑट टू बी शेम्ड ऑफ ऑल सेल्फ फॉर सच कंडक्ट, वी ऑट टू बी शेम्ड, तो हमें शर्म रखनी चाहिए ऑफ ऑब्सेल्स स्वयं फॉर सच कंडक्ट, ऐसे व्यवहार के लिए हमें खुद शर्म रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब ऑट टू का यूज होता है, जैसे और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यू ऑट टू गेट बेटर मार्क्स, तुम्हें और अधिक मार्क्स लाने चाहिए। हाँ सेकेंड एग्जाम्पल और देख लीजिए, स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को वर्क हार्ड करना चाहिए। थर्ड, वी ऑट टू लव योर आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री से लव होना चाहिए। यू ऑट टू हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, आपको पुअर फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। तो ये और अन्य मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर है डेयर, डेयर कहते हैं साहस होना, डेयर किसे कहते हैं? साहस होना। तो साहस होने के लिए या करने के लिए डेयर का यूज किया जाता है।
तो डेयर का प्रयोग साहस करना या हिम्मत करना, टू बी इनकरेज एनफ टू डू समथिंग और टू हैव द इम्प्यूडेंस, ठीक है, के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है। जैसे डेयर का यूज देख लिए, डेयर यूज टू एक्सप्रेस फियरलेसनेस ऑफ एनी रिजल्ट, मतलब इसको कोई डर न हो, कोई डर न हो और वो अपनी बात कह दे। जैसे हाउ डेयर यू से सच ए थिंग, तुमने इस प्रकार की बात कहने का साहस कैसे किया। सेकंड में सेंट एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ही डेयर्स टू गो देयर, उसने वहां जाने का साहस किया। दे डेयर टू कम हियर, उसने यहाँ आने का साहस किया उन्होंने। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप के सेंटेंस, इसमें पूरा नहीं दिया है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। डेयर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पार्टिसिपल के लिए भी होता है। जैसे ही डेयर टू कॉल मी ए फूल, ठीक है, शी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। तो इसने ये जो सेंटेंस है ये किस में हो गए, पास्ट टेंस में हो गए, तो डेयर का डेयर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए जो इस बुक में सेंटेंस दिया है उसमें हाउ डेयर सीधा सीधा दे दिया है, ठीक है। जैसे अब देखिए नेगेटिव में भी है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब देखिए इंट्रोगेटिव में जो डू डज लगा के भी इसका डेयर का हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे डज ही डेयर टू कम हियर, डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, ठीक है, तो इस टाइप से बना सकते हैं। अब देखिए डू नॉट डेयर नॉट और डेयर नॉट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आई डेयर नॉट टू गो, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, नेगेटिव का यूज भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये डेयर का आपका यूज हो गया। अब इससे आ गया यूज टू, किसका यूज आता है, यूज टू। यूज टू का हम अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग पास्ट हैवी हैबिट, ठीक है, भूतकाल की आदत अवस्था को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और यूज टू का वुड दोनों का पास्ट टेंस के लिए, वुड का भी यूज टू का भी ये किया जाता है। वुड का भी मैंने आपको बताया था इसी टाइम में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यूज टू का, आई यूज टू गो टेम्पल डेली, मैं मंदिर रोजाना जाया करता था, बट इन दिनों आई डोंट, मैं नहीं करता, ठीक है। तो देखिए आपका ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं डेयर का, सॉरी इसका यूज टू का। तो यूज टू का जो यूज होता है वो प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ठीक है। अर्थात यूज टू का और यूज यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता। जैसे ही यूजेस टू स्मोक, ये नहीं होगा ही स्मोक्स, इस टाइप से हो जाएगा, इसमें यूज का प्रयोग नहीं होता। अच्छा यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई यूज टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक आई ए पाइप, अब मैं एक पाइप पीता हूँ, बट हम पहले मैं सिगरेट पीता था, जैसे बुक में यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल है। तो देखिए यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के में होता है। जैसे अफर्मेटिव बताऊँ मैं आपको, ही यूज टू वॉक, वह टहले जाया करता था। नेगेटिव, ही यूज्ड नॉट टू वॉक। अब देखिए नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, यूज्ड ही होगा, ही यूज्ड नॉट टू वॉक। इंट्रोगेटिव में यूज्ड ही गोवा, क्या वह टहले जाया करता था। तो इस टाइप से ये आपका यूज टू का मैंने आपको यूज बता दिया। और देखिए आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला इस चैप्टर 7th, ये आपके 3 वीडियो मैंने इस चैप्टर की बना दी, ठीक है ना। तो ये आप, अब देखिए इसके बाद ये एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप एक्सरसाइज अपने आप करेंगे। ये फ्यूचर टेंस में आएगा, यू शैल बी लिविंग नाउ, आई शैल मीट यू एट ए रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको देखो ये बता दी है सब मैंने आपको, वो आपकी कॉपियाँ में कर दी है, ठीक है ना। तो ये अपनी कॉपी से आप पिक भेज देंगे, इसको बता लेंगे, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको चैप्टर पूरा रीडिंग करा दिया है, चैप्टर 7th, आप इसको लर्न कीजिए। ओके।